मणिपुर को देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का ही प्रदेश है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले, इतने बुरे बुरे हादसे हुए, हम लोगों ने सब वीडियो पे देखा, देखा देख ही नहीं पाए बहनों, कैसी कैसी चीजें हुई, देखना ही मुश्किल था, उनको जीना कितना मुश्किल होगा। मोदी जी ने वहां जाने का कष्ट किया नहीं किया? नहीं किया। लेकिन बहनों और भाइयों, नौजवानों, अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, वाह, हम फाइनल में आए। हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई, बहुत उम्मीद थी, सब मैच जीते थे हमें, हम सबको, सबको आपको भी हुई होगी कि ये वाला भी हम जीत जाएंगे। निराश हुए सब, दुखी हुए, है ना। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। अब आपको याद होगा बहनों, जो पहलवान थी जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। तब मोदी जी नहीं दिखे। मैं मिली थी उन लड़कियों से, दिल पता है किस चीज से टूटा, उनका दिल इस चीज, इस बात से टूटा। उन्होंने मुझे बताया, कहा दीदी हमने सोचा था ऐसा अत्याचार हो रहा है, हम देश के लिए मेडल लेके आए हैं, मोदी जी ने हमारा मान सम्मान, हमारा सम्मान किया, हमें घर बुलाया, हमारा दिल तब टूटा दीदी, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी सुनवाई हो जाएगी, हमने देश के लिए कितना किया। दिल हमारा तब टूटा दीदी जब हमें समझ में आ गया कि हमारी भी कोई सुनवाई नहीं। तो इसी तरह से सेना में भर्ती होकर सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसकी, उसका रोजगार, उसकी नौकरी आपने 4 साल की अग्निवीर की कर ली। किसान आंदोलन करता है, उसकी सुनवाई नहीं। जहां जहां मीडियाबाजी हो सकती है, बड़ा इवेंट हो सकता है, जनता का ध्यान थोड़ा भटक सकता है, धर्म की बातें हो सकती हैं, उसमें आप पहुंच जाइए। ये बन गया है इनका सिलसिला और यही है आज इनकी सच्चाई।